तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मानसून का सीजन चल रहा है और मानसून के समय अधिकांश जो होता है बीमारी का उत्पन्न होता है। तो सर वैज्ञानिक है, सर से हम बात करेंगे कि मानसून के समय बीमारियों से क्या उपाय है, कैसे बचा सकते हैं और क्या ऐसा उपचार होगा, इसके पूरे विषय में बात करेंगे। सर स्पेशलिस्ट हैं, आइए सर से मिलाते हैं आपको। जी सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर दर्शकों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है जी सर, मैं बिहार वेटरनरी कॉलेज में वैज्ञानिक हूँ। ओके, जैसे कि आपने बहुत ही समसामयिक टॉपिक के बारे में चर्चा की है, हमारे किसान भाइयों का बहुत जिज्ञासा रहता है इस बारे में। हमारे पास क्वेरी रेगुलर से प्रश्न आते रहते हैं कि इस सीजन में मानसून के समय में कैसे मुर्गियों को हम बीमारियों से बचा सकते हैं। ओके, क्या कारण है कि हम मानसून की ज़्यादा बात करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। मानसून में क्या उनका क्या होता है कि गर्मी भी अच्छी खासी होती है, बारिश हो चुकी होती तो हमारा जो वातावरण है उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो एक मिला जुला एक इन्वायरमेंट, एक वातावरण तैयार होता है कि किसी भी माइक्रोब के लिए, किसी भी जीवाणु के, जितने भी हमारे रोगाणु हैं, जो भी जीव हैं जो रोग पैदा करते हैं या जो भी परजीवी हैं, उनके ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्पन्न बहुत ही अच्छा अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं। तो चूँकि वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है वातावरण में अचानक से, तो संभावना होती है कि मुर्गियों को, जो हमारे मुर्गी पालक भाई हैं, उनको ये चीज़ बात अच्छे समझ में आती है कि इसी समय में बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं, ये कारण होता जी है। अब हम बात करते हैं कि मुर्गियों में क्यों ज़रूरी। देखिए, जो भी मुर्गी पालक हमारे हैं, जो भी मुर्गी पाल रहे हों, या तो ब्रॉयलर के लिए पाल रहे होंगे या तो लेयर के लिए पाल रहे होंगे, तो एक प्रोडक्शन स्ट्रेस होता है जी। चूँकि या तो उनको ग्रोथ बहुत ज़्यादा करना होता है, मीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना होता है, बॉडी वेट बढ़ाना होता है, या तो उनको अंडा बहुत ज़्यादा पैदा करना होता है। तो पहली बात तो ये कि उनके ऊपर प्रोडक्शन स्ट्रेस है। दूसरी बात, ये जो इन्वायरमेंट है, जब यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ गई, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये भी एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, वातावरणीय एक तनाव पैदा करता है, ठीक है। इसके अलावा रोगाणु भी बढ़ रहे हैं, तो उनका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम वो उनसे लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और स्ट्रेस अपने आप में बहुत सी बीमारियां पैदा करता है, ठीक है। मुर्गी तनाव में होगी तो उसका प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन घट जाएगा, उसका ग्रोथ वेट नहीं होगा, उसका बॉडी जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो बीमारियों से बचने में लगेगा। तो कैसे करके हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम उनको बीमारियों से बचा सकते हैं, इसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें अपने फार्म पर बीमारियों को आने ही नहीं देना जी। बचाव से बेहतर कुछ नहीं होता जी सर। वो ये है कि बीमारी आने के उपचार करने के बाद, उससे पहले हम ये काम करें कि बीमारी आए ही ना, आए ऐसा ही काम करें कि बीमारी बिल्कुल आए ही ना जी सर। तो आए ही ना, तो इसके लिए क्या, देखिए बरसात का सीजन है, तो आपको अपने आसपास जो जहाँ पर भी आपने मुर्गियों को रखा है, इसके आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाना होगा। ओके, जैसे कि जितना भी कहीं आसपास गड्ढे ना हो, पानी का जल जमाव ना हो, क्योंकि जब जब पानी जमा होगा तो बेसी बात है कि वहाँ पे जीवाणु पनपेंगे, कीटाणु पनपेंगे और वो जा करके जो आसपास के जो पशु पक्षी हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, वो करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है कि जो मुर्गी का प्रवेश द्वार है, तो हम वैसे भी रिकमेंड करते हैं वहाँ पर आप लाल दवा पानी में घोल करके आप वहाँ पर डाल दीजिए। अगर कोई भीतर जा रहा है तो उसमें अपना पैर डिप करके, अपना जो शूज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको डिप करके ही जाए वहाँ। चूने का छिड़काव कर सकते हैं चारों तरफ जी, ताकि वातावरण में कंपेरेटिवली जितना भी कीटाणु है वो नष्ट हो जाए वहाँ, नष्ट हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ मेजर्स होते हैं। इसके अलावा देखिए, जो मुर्गियों को जिस लेटर पे रखा जाता है, जो बेडिंग हम यूज़ करते हैं, ओके, तो संभावना होती है कि भाई पानी गिर गया या नमी की वजह से वो भी नमी सोख रही है जी, ठीक है। जब वो नमी सोख रही है तो संभावना होती है वहाँ भी कीड़े पैदा हो सकते हैं जी। इस सीजन में हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर की एक जो परत होती है उसमें हम चूने को मिला करके फिर से हम दोबारा लगा देते हैं, और हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि वो परत जो है वो गीली ना होने पाए। गीली अगर वो परत गीली होगी तो वहाँ कीटाणु पैदा होंगे, पैरासाइट्स पैदा होंगे, और वो मुर्गियों और मुर्गियों कॉन्टैक्ट में है तो सबसे पहले उनको इन्फेक्ट, उनको बीमार होता है जी। इसके अलावा शेल्टर की वातावरण वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। इस समय आप मुर्गियों को जो हम पानी पीने के लिए दे रहे हैं, तो समय समय पर उनको हम इलेक्ट्रॉल वगैरह आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स उनको हम देते हैं, ताकि वो स्ट्रेस को अपने मैनेज कर सकें, अपने तनाव को मैनेज कर सकें, बीमार कम होंगी, प्रोडक्शन अच्छा बना रहेगा जी। इसके अलावा रहने का हो गया। इसके बाद हम ये कहते हैं कि हम उनको दाना डालते हैं, दाना खिलाते हैं मुर्गियों को, ठीक है। जो दाने के पैकेट्स रखे जाते हैं, जो पोल्ट्री फार्मर हमारे फार्मर्स भाई इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इस सीजन में बहुत ज़्यादा दाना स्टॉक करके नहीं रखना चाहिए। दाना सूखा होता है, वो जैसे ही वातावरण के संपर्क में आएगा उससे नमी सोखेगा और उसमें फंगल ग्रो होने के चांसेस होते हैं। तो एस्पर्जिलस या कई ऐसी फंगल बीमारियां होती हैं, क्योंकि अगर उन्हें फंगल एक बार ग्रो हो गया
तो भी सी बात है, संभावना होती है कि फिर वही मुर्गियां वही दाना खाएंगे तो उनके भीतर भी बीमारियों के लक्षण आएंगे। इस तरह का कई केस सर आ चुका है हमारे पास भी, हम देखे हैं कि सर नमी वाले दाना जो भीग गया है उसको खिलाने से और मुर्गियों का एक ही मात्रा होता है कि वो मुर्गी मर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, विषाक्त हो जाता है, जैसे फंगल ग्रो हो जाता है, तो इस तरह से किसान भाइयों की जो एक तरह से हानि होती है अगर मुर्गियाँ मरती हैं तो, क्योंकि उन्होंने मुर्गी पालन किया है कहीं ना कहीं से अपने इकोनॉमिक गेन के लिए किया हुआ है, अपना वेंचर अपने स्टार्ट किया हुआ है। दाना आजकल कॉस्टली आ रहा है तो वो किसान फेंकना भी नहीं चाहते, दिक्कत आ रहा है तो फेंकना भी नहीं चाहते, वही दाना खिलाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप एक शॉर्ट इंटरवल पे दाना मंगाइए और उतना ही मिला थोड़ा थोड़ा मंगाइए ताकि आप उसको एक फ्रेश दाना उसको मिलता रहे। जी जी जी। अगर आप अपने पास दाना स्टोर कर रहे हैं कहीं पर आपने बना रखा है तो वो जो कमरा है बहुत ही ड्राई होना चाहिए, सूखा कमरा होना चाहिए। कोशिश करिए कि वहाँ पर नमी ना कम से कम हो। दाने को नीचे रखने के पहले आप लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना दीजिए, लकड़ी के आजकल आते हैं बना करके, उसके ऊपर दाने की बोरियाँ जी, ताकि नीचे से वो नमी ना लेने, तो इससे करके आप दाने को सुरक्षित रख सकते हैं। आपने रख रखाव का जैसे मैंने देखा कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो दाने का है क्या ना कि इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन दिन भर बहुत होता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, बादल छा जाते हैं, अगर जहाँ पर अंडे प्रोडक्शन वाली मुर्गियों की बात करें तो उन्हें कम से कम 15-16 घंटे का लाइट आवर चाहिए होगा, डे टाइम चाहिए होगा। अगर इतना टाइम नहीं मिल रहा है तो प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो जहाँ पर मुर्गी पालन कर रहे हैं वहाँ पर 16 घंटे का मेंटेन करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तो उनको फ्लोरोसेंट लाइट मार्केट में अवेलेबल्स हैं, आप उनको जाकर के परचेस कर सकते हैं, अपने फार्म में लगा सकते हैं, क्योंकि जब इतने घंटे का आप उनको डे लाइट प्रोवाइड करेंगे तो उनका प्रोडक्शन अप टू मार्क रहेगा, बढ़िया प्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि इसमें बादल छा जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा तो वो डे लाइट मुर्गियों को नहीं मिल पाता, उससे उनको प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्शन आप कम हो जाता है जी। इसके अलावा ये तो मैनेजमेंट की बात है। ओके, अब हम बीमारियों पे आ जाते हैं। देखिए प्रोफाइलेक्सिस, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम अपनी भाषा में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर, मतलब बचाव से बेहतर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, हम बीमारियों को आने ही क्यों दें, क्योंकि कोई मुर्गी बीमार पड़ेगी तो उसका प्रोडक्शन उस टाइम बिंग में अफेक्टेड होगा, वो मर भी सकती है, जी जी जी। वो ठीक होगी तो फिर उस प्रोडक्शन पर आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है फिर उसका। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपके फार्म पे बीमारियां आए ना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टीकाकरण बहुत इसका उत्तम उपाय है कि पहले आप टीकाकरण करवाइए जी। ठीक है, अमूमन जब आप जिस भी हैचरी से जहाँ से मुर्गियाँ चूजे लेके आते हैं तो वो तो गाइडलाइंस हैं उनके कि जी डे वन पे ही मैरेक्स का टीका लग जाता है उनको, वहीं पे हैचरी में लगा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके फार्म पे अगर मुर्गियाँ आ गई हैं एक हफ्ते के अंतराल पे, छठवें सातवें दिन आप उनको न्यू कैसल डिजीज है उसका टीका लगवाए। सर मैरेक्स का टीका जो है और जो अभी आप न्यू कैसल जी भी जो भी बताया सर, इसका जो बात किया जाए क्या बीमारी, किस बीमारी के लिए सर लगना जरूरी होता है, किस लिए सर? मैरेक्स बीमारी का नाम है। ओके, मैरेक्स बीमारी का क्या नाम, मैरेक्स डिजीज। ओके ओके, वैक्सीन होता है उसका सर, वो ट्यूबरस ग्रोथ हो जाता है बॉडी के भीतर, अगर आप नहीं लगवा रहे हैं तो ऐसा ट्यूमर टाइप के डेवलप हो जाते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स बड़े बड़े हो जाते हैं, अल्टीमेटली मुर्गी मर जाती है। ठीक है जी, ज़्यादा प्रोडक्शन स्टोर तो उसकी संभावना हो जाती है, इसलिए चूंकि बहुत खतरनाक बीमारियां हैं तो इनका टीकाकरण लगना चाहिए, न्यूकैसल भी डिजीज़ है। ठीक है, और छठवें दिन के आसपास इसका न्यूकैसल डिजीज़ का लगता है, दूसरे हफ्ते पे 14वें दिन पे आप गंभोरो डिजीज़ का टीका लगवाते हैं जी, फिर एक हफ्ता और जोड़ ली, आप इसको थंब रूल पे याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला हफ्ते में आपने न्यूकैसल डिजीज़ का लगाया जी, दूसरे में आपने गंभोरों का लगाया, तीसरे पे आपने फिर गंभोरों का लगता है उसमें, तीसरे हफ्ते पे जा करके फिर 28वें दिन फिर न्यूकैसल डिजीज़ का डोज आप उसमें देंगे। ठीक है, ये इसका मेन टीका था जी। इसके अलावा आप फॉल पॉक्स का टीका दे सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू, सॉरी फॉल पॉक्स का आपका विंग में आप लगाएंगे वहाँ पे, तो ये आपके डेढ़ महीना आप काउंट, मोटा मोटा किसान भाई हम समझ सकते हैं कि उसको डेढ़ महीने पे लगाना होता है जी। तो इस तरह से अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो आप बीमारियों को होने से ही रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बीमारियां जो मैनेजमेंटल होती हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका लीटर गीला है बहुत संभावना होती है कोक्सीडियोसिस जैसी खतरनाक बीमारी होने की संभावना होती है, तो लीटर हमेशा सूखा जी। और इनकेस यदि हो जाता है तो एम्प्रोलियम जैसे दवाइयाँ भी हैं, आप अपने जो नज़दीकी जो पशु चिकित्सक हैं आप उनसे कंसल्ट करके आप एम्प्रोलियम वगैरह दे सकते हैं उनसे कंसल्ट करके, तो मुर्गियों में कोक्सीडियोसिस की समस्या नहीं होगी। ये एक बहुत ही प्रोन टाइम होता है, जो बरसात का सीजन होता है इसमें सबसे ज़्यादा संभावना होती है कोक्सीडियोसिस होने की। ठीक है, तो इसमें जो मुर्गी जो का जो मल होता है आप उसमें देखिए ब्लड आ रहा है, खून आता है उस समय से। अच्छा, पहचान का पहचान यही उसका है। ओके, खून आता है, ये मैनेजमेंटल इशू जी जी। अगर आपने फार्म को बहुत साफ़ सफाई से नहीं रखा है, जब आप चूजे उसमें लेके आ रहे हैं तो आप अच्छे से उसका डिसइंफेक्शन नहीं किया है तो कोक्सीडियोसिस होने के चांस होते हैं।
लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हम प्रीलियम की या जो भी दवाइयाँ हैं अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से कंसल्ट करके आप उनको दे सकते हैं जी। तो इस तरह से ये मुख्य बीमारियाँ थी इसकी। अगर आप दाना ठीक ठाक रखेंगे तो भी फंगल ग्रोथ नहीं होगा, ओके ओके ओके, वो भी हेल्दी ग्रोथ होगा उनका और प्रोडक्शन स्टेटस किसान भाइयों का बना रहेगा सर बात कीजिए सर मुर्गियों में तो ज़्यादा सर डर किस में, चूजे में होता है या बड़ी मुर्गियों में? देखिए बीमारियों चूजा हम अपने से समझते हैं जी, भाई जब बच्चा छोटा होता है जी ठीक है तो उसकी भी बीमारियाँ तो वही होती है ना, सर्दी जुकाम उन्हें भी होना होता है, बड़ों को भी होता है, लेकिन क्या होता है जब यही बड़ी मुर्गियाँ हो जाती हैं तो उनके ऊपर प्रोडक्शन स्ट्रेस हावी हो जाता है, क्योंकि वो या तो अंडा पैदा कर रही होती हैं या उनके ऊपर स्ट्रेस होता है, उनके जीन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है कि बहुत जल्दी बॉडी वेट गेन करें जी जी ठीक है, बढ़ोतरी करें, ग्रोथ बहुत तेजी से करें, तो उनके ऊपर स्ट्रेस होता है जी। अब उस स्ट्रेस के कंडीशन में यदि गर्मी हो गई, बरसात हो गया या उमस हो गई जी, तो वो जो तनाव है वो उनके प्रोडक्शन को ऑलरेडी उनका जो बॉडी सोचिए प्रोडक्शन स्ट्रेस में वो तनाव का और बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो जब तनाव बढ़ता है यहाँ पे तो बॉडी का मैकेनिज्म है कि हम कहते हैं ना कि हमेशा तनाव से जी, जी, मुक्त होना मुक्त चाहिए, रहना चाहिए ठीक है। सबसे बढ़िया है कि जो पानी साफ सुथरा ठंडा पानी उनको पिलाइए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का इलेक्ट्रॉल देते रहिए ताकि तनाव ना डेवलप हो पाए, तनाव नहीं डेवलप होगा तो बहुत सी बीमारियाँ ऐसे उनसे दूर रहेंगी जी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा सर ने बताया एक मैनेजमेंट का छोटा सा, जैसे बीमारी के उपचार और बीमारी कैसे ना आए, ये ऑल टू ऑल जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, देसी मुर्गी पालन हो गया, जो भी आप लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, जो भी आप मुर्गी पालन कर रहे हैं या अदर भी कोई फार्मिंग कर रहे हैं, उस सबके लिए है एक लगभग मैनेजमेंट देखा जाए तो ये सबके लिए है। तो एक उपचार था प्लस कैसे बीमारी ना आए इसके बारे में बात किए थे। तो वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किस फार्मिंग रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए इसका भी कमेंट।